कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। आप विस्तारा वर्ग के माध्यम से क्लब विस्तारा में भी एनरोल कर सकते हैं। अन्य यात्रियों के आराम को ध्यान में रखते हुए अपने पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करते समय कृपया हे गाइस, तो फाइनली मैं दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर यहाँ पे जो है इन हो चुका हूँ और कुछ इस प्रकार के नज़ारे यहाँ जो है दिल्ली के अंदर के व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पे जो है नज़ारा दिखता है अंदर से। चलिए मैं आपको यहाँ पे साइड में आपको दिखाता हूँ कि ये जो आपको फ़्लाइट इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो बोर्ड लगे हुए है यहाँ से जो है बाहर का व्यू कैसा यहाँ पर दिखता है। यहाँ पे सभी प्रकार की जो उड़ानें यहाँ पे आज यहाँ पे जो टाइम टेबल आपको दी जाती है, जैसे कि रेलवे में जो प्लेटफॉर्म नंबर दी जाती है ना, वैसे यहाँ पे जो है टर्मिनल नंबर एंड गेट नंबर जो है आपको यहाँ पे फ़्लाइट के बारे में आपको यहाँ पे जो है दी जाती है। यहाँ पे आपको बैठने के लिए दी जाती है। ये ऐसा कुछ नज़ारा जो है आपका यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से जो टर्मिनल नंबर 3 है, ऐसा जो है आपको बाहर में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है एयरपोर्ट से जो है आपको इस प्रकार के व्यू जो है यहाँ से दिखेंगे। अंदर में आपको यहाँ पे जो है सभी फ़्लाइट की अलग अलग यहाँ पे जो है सीटें जो आपको यहाँ पे जो है यात्री को बैठने के लिए बनाए गए हैं। काफ़ी मस्त लगता है यहाँ पे। यहाँ पे जो है चलने जो लोग यहाँ पे नहीं चलने सकते हैं उसके लिए जो है आपका ये इस तरह का जो है आपका वे बनाई गई है। तो आप यहाँ पे जाके खड़े हो जाइए, आपको डायरेक्ट जो है आपके स्थान पर ले जाएगी, आप वहाँ से उतर सकते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर जो है बनाया, बहुत बड़ी एयरपोर्ट है। रांची में जैसे कि जो है टर्मिनल एक ही टर्मिनल रांची एयरपोर्ट में है, लेकिन दिल्ली में आप आइएगा तो आपको बहुत सारे यहाँ पे टर्मिनल है, 1 2 3 4 बहुत सारे यहाँ पे टर्मिनल आपको यहाँ पे मिलेंगे। कुछ ऐसा जो है आपका अंदर से बाहर का व्यू आपको यहाँ पे दिखता है, वो भी आपको यहाँ पे टर्मिनल नंबर 3 से ये व्यू यहाँ पे दिख रही है। टर्मिनल नंबर 1 2 से जो है आपका कुछ और नज़ारे उधर देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरा जो है टर्मिनल नंबर 3 से मेरी फ़्लाइट है यहाँ दिल्ली से इंदौर के लिए, तो मैं टर्मिनल नंबर 3 यहाँ से जो जा रहा हूँ। जो मेरी जो फ़्लाइट लगने वाली है 47 नंबर पे जो है विस्तारा वहाँ पे लगेगी, तो मैं वहीं पे जो है जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नज़ारा जो है आपको यहाँ पे दिखता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा यहाँ पे जो है व्यू है दिल्ली एयरपोर्ट का, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कैसा जो है यहाँ का अंदर का व्यू है एंड बाहर में तो काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पर व्यू देखने को मिलेंगे। और इसके सामने ही जो है आपका मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पे पड़ती है। 1 किलोमीटर बोर्ड क्या 500 200 100 मीटर के अंदर में जो है मेट्रो स्टेशन से यहाँ से जो है आपको जाना होगा अपने जो फ्लाइट जो पकड़ने के लिए यहाँ लगी रहती है। ये हमारी फ़्लाइट यहाँ पे लगी हुई है विस्तारा UK 913। ये अभी जो है दिल्ली से लेकर इंदौर जाएगी। सुबह का 8:10 में जो है यहाँ से उड़ती है। इंदौर लगभग जो है आपको 9 बजे तक आपको यहाँ पे 9 बजे तक जो है पहुँचा देती है वहाँ पे डायरेक्ट। फाइनली गाइस हमारी समय हो गई है फ़्लाइट में। यहाँ पे जो है हम लोग को बुलाया जा रहा है फ्लाइट में जिनका सीट है अभी 8:10 में। मैं यहाँ पे फ्लाइट में अपने जो मेरी सीट है यहाँ पे मैं बैठ चुका हूँ। ये देखिए जो विस्तारा फ्लाइट है यहाँ पे टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो रही है। स्टार्टिंग में तो ये बहुत धीरे धीरे यहाँ पे जो है जाती है, लेकिन सडनली इतना स्पीड हो जाती है ना, आप अगर बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि जो अचानक से बहुत स्पीड यहाँ पे जो है फ्लाइट टेक ऑफ करती है। तो स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे अब जाती है, लेकिन अचानक से बहुत स्पीड जाती है यहाँ से। काफ़ी बड़ी एयरपोर्ट है जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ी है। इसमें बहुत सारे टर्मिनल यहाँ पे हैं। Instructions on how to connect to it are in the seat pocket in front of you. You can also enroll in Vistara, our frequent flyer program through Vistara World. As a courtesy to other customers, please remember to use cell phones or turn off the volume when using your personal electronic device. Please sit back, relax, and enjoy your flight with us today. आप हमारे वायरस इन-फ्लाइट डेटा पर विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। आप विस्तारा वर्ल्ड के माध्यम से क्लब विस्तारा में भी एनरोल कर सकते हैं। अन्य यात्रियों के आराम को ध्यान में रखते हुए अपने पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करते समय कृपया अपने ईयरफोन्स का प्रयोग करें। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, the seat belt sign is now off. However, स्वास्थ्य और सुरक्षा घोषणा कोविड-19 के प्रकोप के कारण प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई है। यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रियों व क्रू के बीच में परस्पर वार्तालाप कम से कम रखा जाएगा। से बादल यहाँ पे कैसे दिखते हैं, पूरा आसमान क्लियर यहाँ से जो है दिखता है। पूरा आसमान पूरा साफ आपको यहाँ पे क्लीन दिखेंगे। बादल आपको लगेगा सामने ही से यहाँ से जो है गुजर रहे हैं। के बाद हम लोग यहाँ पे देख पा रहे थे जो धुंधलाहट है जो जमीन यहाँ पे दिखने लगी। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे लैंडिंग करने के लिए जो है हम लोग का यहाँ पे टाइम होने वाला है। तो अब हम लोग कुछ ही मिनटों में जो है हम लोग यहाँ पे लैंडिंग करेंगे इंदौर एयरपोर्ट में। देखिए कुछ जो नज़ारे जो नीचे यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पर जो है नीचे फ्लाइट यहाँ पर जाएगी वैसे वैसे जो है थोड़ा क्लियर जो है आपको नीचे का व्यू यहाँ पर दिखेगा। चलिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ व्यू, जब तक यहाँ पे लैंडिंग नहीं करती है इंदौर एयरपोर्ट में तब तक मैं आपको जो है व्यू दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे जो है विस्तारा यहाँ पे 913 यहाँ पे लैंडिंग करती है। देखिए थोड़ा थोड़ा धुंधलाहट से यहाँ पे जो है बिल्डिंग्स जो घर से हुए आपको यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे फ्लाइट चल रही है बहुत ही स्पीड है, लेकिन अंदर से जो है कुछ पता नहीं चलता है कि कितनी स्पीड में वहाँ पे जा रही है, लेकिन बहुत ही स्पीड से यहाँ पे जो है फ्लाई कर रही है। अब कुछ ही मिनटों में हम लोग यहाँ पे जो है लैंडिंग करने वाले हैं इंदौर एयरपोर्ट में। फ्लाइट से। अंदर से काफ़ी मस्त नज़ारा जो है अंदर से यहाँ पे जो है व्यू दिखता है इंदौर के बाहर का। देखिए बिल्डिंग्स, रोड्स सभी यहाँ से जो है आपको दिख जाएंगे। यहाँ से जो इंटरनेशनल जो स्टेडियम है इंदौर में ही, यहाँ पे सामने ही है। आप चाहें तो यहाँ पे अगर आते हैं तो आप घूम सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है लैंडिंग करने वाले हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पे लैंडिंग हो चुकी है। देखिए हम लोग का लैंडिंग यहाँ पे हो गई है। तो फाइनली गाइस मैं इंदौर जो एयरपोर्ट है, देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट जो इंदौर, इसके बाहर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार की व्यू जो है इंदौर एयरपोर्ट के बाहर से यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो फ्लैग लेके यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। इन लोगों यहाँ पे जो है अभी जय भीम जो इंदौर का कोई संस्थापक यहाँ पे आने वाले हैं, उन्हीं के स्वागत के लिए जो है ये लोग जो है फ्लैग लेके यहाँ पे खड़े हैं। उनका स्वागत करेंगे जैसे ही वो जो विमान से उतर के बाहर आते हैं, वैसे ही। तो इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर जो है इंदौर जो एयरपोर्ट है वहाँ यहाँ का जो है आपको दिखता है बाहर से। यहाँ पे जो है फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन के लिए बोर्ड भी लगाए गए हैं और बाहर। तो यहाँ पे मैं अभी इंदौर में ठहरा हुआ हूँ, ये मेरा रूम है जो कि यहाँ पे मैं एक दिन के लिए यहाँ पे कम कुछ इस प्रकार का मेरा रूम है। चलिए मैं आपको पैक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे टीवी दिया हुआ है, इधर स्विच है और इधर भी स्विच है। तो घोड़े उधर वाशरूम में उधर एक मीटर, ये सब दिया हुआ है रूम का, जो काफ़ी अच्छा रूम है।